विकास बीजेपी और घमासान। नमस्कार, खास खबर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अलका वर्मा। एक तरफ चंडीगढ़ हाई प्रोफाइल मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो दूसरी तरफ अब पार्टी के बीच से पार्टी के लोगों ने ही बराला को घेरना शुरू कर दिया है। मामले ने पूरा राजनीतिक रंग ले लिया है और क्या कुछ हो रहा है इस मामले पर, पहले ये रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ में हुए हाई प्रोफाइल छेड़छाड़ मामले में एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं अब इस मामले को लेकर बीजेपी में भी सिर फुटौल शुरू हो गया है। हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी ने छेड़छाड़ मामले को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला पर जमकर हमला बोला और यहां तक कह दिया कि सुभाष बराला के चलते पार्टी को काफी नुकसान सहना पड़ रहा है। ये कहना चाह रहे हैं इस बयान में कि सुभाष बराला को प्रदेशाध्यक्ष बना के पार्टी ने गलती की। देखिए, गलती ना उस बात नहीं की होगी गलती, लेकिन अब जरूर है कि जो है ना, जिससे पार्टी को भारी आघात लगेगा, जो है ना, जिससे ये बात स्पष्ट हो गई कि पीछे से आचरण ही धूमिल चल रहा है। पीछे से ही आचरण धूमिल है और इनके तो बुजुर्गों में भी ऐसे जो है ना, सिर मुंडन और मुंह काले होते रहे हैं। वो लोगों के बाद खुलती पड़ते हैं जब जब है, जब पता लगता है, जब कोई घटना घटती है। नहीं, आपने साफ कहा कि ऐसे व्यक्ति को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है जिसकी साख ऐसी है, तो इससे पार्टी को भी नुकसान हो रहा है। मतलब आप पार्टी को भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्यों बनाया है प्रदेशाध्यक्ष, आप चाहते हैं बदल दिया जाए। नहीं नहीं, बदलने नहीं, बदलने का विषय तो पार्टी का है। मेरा तो जो है ना, जो अपना निजी बयान था वो मैंने आपके सामने दे दिया है। मामले में राजकुमार सैनी ने यह भी कहा कि बराला के बेटे को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन मीडिया ने इस मामले को दबने नहीं दिया और मामला पूरी तरीके से सबके सामने आ गया। सुभाष बराला के बेटे को बचाने की कोशिश की गई, क्या आप इससे सहमत हैं? आपने जो प्रक्रिया देखी उसको? देखिए, वो तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ जो है ना, उसको छुपाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद जो मीडिया का प्रेशर पड़ा, जनता का प्रेशर पड़ा, तो जो दूध का दूध था वो पानी का पानी हुआ। वहीं उकलाना से बीजेपी विधायक प्रेमलता ने भी वर्णिका की हिम्मत की तारीफ की और कहा कि वर्णिका तो अपना काम करने के बाद घर जा रही थी, लेकिन उसके साथ जो घटना हुई उसमें सारी गलती उन लड़कों की ही है। मैं तो लड़कियों के फेवर में वैसे भी हूँ और मैं तो चाहती हूँ लड़कियों को जितनी ज्यादा आजादी मिलेगी उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद क्या, ये जो एक दुर्भावना होती है ना कि लड़की दिखी, इसको देख के उसका इसको चेज करना या उसके नजदीक लगना, ये चीज खत्म हो जाएगी अगर हम आजादी देंगे लड़कियों को। लड़की तो अपना अपने नौकरी करके अपने घर जा रही थी, गलती तो उनकी जिन्होंने उसको चेज किया। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि लड़कियों को, लड़के का कोई दोष नहीं था, वो तो अपने रास्ते से जा रही थी, उसको ये थोड़ी पता था कि मेरे पीछे कोई चेज करने लग रहा है। और फिर उसने जिस तरह से हिम्मत दिखाई, मैं तो उसकी हिम्मत के दाद देती हूँ कि उसने अपना को बचा लिया, वरना तो कुछ भी हो सकता था। फिलहाल अब पूरे मामले को लेकर बीजेपी में खलबली मची हुई है। पार्टी के दूसरे नेता ही सुभाष बराला पर निशाना साधने से नहीं चुक रहे। पिछले दिनों गुरुग्राम में भी सुभाष बराला बीजेपी के पोस्टरों से गायब नजर आए। ऐसे में अब पहले से ही विरोधी नेताओं के निशाने पर बने बराला अब अपनी पार्टी में भी घिरते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि एक एक करके बराला के खिलाफ बुलंद हो रही आवाजों का सिलसिला कहाँ तक जाता है और पार्टी कहाँ तक बराला का साथ दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बिल्कुल, पार्टी कहां तक सुभाष बराला का साथ देती है, सवाल बड़ा है और विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार विकास बराला वर्णिका कुंडू का छेड़छाड़ मामले में सुभाष बराला के इस्तीफे की मांग करता रहा है। फोन लाइन पर हमारे साथ केवल ढिंगरा है कांग्रेस से। केवल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, बिल्कुल मिल रही है। केवल जी, आई थिंक आपके लिए अच्छी खबर होगी, पार्टी के भीतर से ही अब
विकास बराला मामले को लेकर सुभाष बराला के इस्तीफे की मांग उठ रही है। राजकुमार सैनी कह रहे हैं अगर इस्तीफा दे देते तो ये नौबत ही नहीं आती। विधायक प्रेमलता कह रही हैं कि लड़की की कहीं गलती नहीं है, सारी गलती लड़कों की है। तो क्या अब ये आवाजें मुखिया के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है क्या? देखिए बात ये बिल्कुल सीधी है कि आधी पार्टी जो है वो इस तरीके से बात कर रही है और आधी पार्टी जो है अपना दोहरा मापदंड अपना रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इनके कुछ लीडर कह रहे हैं कि बराला ने अच्छा काम किया है, कुछ लीडर कह रहे हैं बराला ने गलत काम किया, उसको इस्तीफा देना चाहिए। तो आप ये चीज बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी में दोहरे मापदंड एक लड़की के इस तरह के मामले में क्यों आते हैं? और जहां ये बेटी बचाओ की पढ़ाओ की बात करते थे, आज ये बेटा बचाओ और बेटी उठाओ की बात करने लग गए। ये भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की सरकार आ गई देश में, जो इतना झूठ बोलती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज इनका नारा उल्टा हो गया है। और ये लोग आज दुनिया को, हमारे देश को और लोगों को बरगलाने लग गए हैं। केवल जी आपको क्या लगता है कि इसके बाद सुभाष बराला के इस्तीफे की जो बात लगातार उठ रही है उसकी तरफ पार्टी कहीं ना कहीं ध्यान देगी आपको लगता है? क्योंकि पार्टी के भीतर से ही लगातार अब आवाजें उठने लगी है। राजकुमार सैनी तो ये तक कह रहे हैं कि उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है पार्टी में, उनकी कोई सुनता नहीं है। नहीं देखिए बात यह है कि वो एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर वो उनकी कोई नहीं सुन रहा तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर अगर सुभाष बराला पार्टी प्रेसिडेंट के शिप पर बने हुए हैं और वो एमएलए हैं और प्रेसिडेंट हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके ऊपर के शीर्ष नेतृत्व क्यों सो रहा है? उनका इस्तीफा देना चाहिए था। आज आज जब कोई भी बात होती है तो ये अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग जाते हैं? और नेता जो हैं उनके जो ऊपर शीर्ष नेता हैं वो आंखें मूंद करके सो गए, क्योंकि ये आज उनका अपना प्रेसिडेंट फंस गया, उसका बेटे ने ऐसा काम कर दिया, तो आज वो अपने प्रेसिडेंट को बचाने में लगे हुए हैं। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ इनेलो से अरविंद भारद्वाज भी हैं। अरविंद जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? अरविंद जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैडम मैं सुन पा रहा हूँ। अरविंद जी क्या लग रहा है आपको कि पार्टी प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश कर रही है बीजेपी वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ मामले के बाद? बिल्कुल मैडम, ये तो पार्टी नहीं बल्कि सरकार भी उनके साथ है, पूरी हरियाणा सरकार और केंद्र। पार्टी के भीतर से ही अब आवाजें उठ रही हैं कि सुभाष बराला को इस्तीफा दे देना चाहिए। राजकुमार सैनी पहले भी कह चुके हैं इस केस के बाद कि उन्हें विपक्ष के कहने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। अब विधायक प्रेमलता कह रही हैं कि लड़कों की सारी गलती थी, लड़की की हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए। राजकुमार सैनी जो बीजेपी के सांसद है वो यहाँ तक कहते हैं कि पार्टी में मेरी कोई हैसियत नहीं है, तो पार्टी में आखिर ये हो क्या रहा है? नहीं ऐसी बात उन्हें दे देना चाहिए था, बिल्कुल जायज बात है, हम भी यही मानते हैं नैतिकता के आधार पर सबसे पहले दे देना चाहिए था। परंतु सबसे बड़ी बात जिस तरह से राजकुमार सैनी कह रहे हैं कि फजीहत हो रही है पार्टी की, साहब इस हिसाब से तो आप भी लोकसभा की दे दीजिए, फजीहत तो आपने भी बहुत कराई है, हरियाणा प्रदेश में दंगे करा दिए, 31 बच्चों को मरवा दिया और आज भी आप चैन से नहीं बैठे हैं, आज भी आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चलन और चरित्र जो है वो है ही इस तरह का। कभी बराला जी कहा करते थे या धनखड़ जी कहा करते थे कि राजकुमार सैनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आज राजकुमार सैनी कह रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उमेश अग्रवाल जी कहते हैं खट्टर साहब ने हरियाणा के 2.5 साल बर्बाद कर दिए, रविंद्र जी कहते हैं कि 2 कोड़ी के जो नेता जो चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं। तो ये चाल चलन चरित्र है इनका, ये इनकी संस्कृति है, ये इसी तरह से राजनीति करते हैं, आपस में लोगों को बांट कर रखना चाहते हैं और एक दूसरे पर जो आरोप लगा रहे हैं ये गुमराह कर रहे हैं और कुछ से ज्यादा कुछ नहीं। अगर ये सच में चाहते हैं कार्रवाई हो तो क्यों नहीं ये खड़े होकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाकर मिलते अमित शाह जी से और वहां इस्तीफे के लिए कहते, क्यों नहीं दबाव बनाते? यहाँ आकर ये बयान देते हैं, अपने अपना कॉलर बचाना चाहते हैं, अपनी अपनी चादर सफेद रखना चाहते हैं ये जनता के बीच में, प्रेमलता जी हो या राजकुमार सैनी हो, ये क्यों नहीं पार्टी पर दबाव बनाते कि इस तरह से पार्टी की छवि खराब हुई है, पार्टी बदनाम हुई है और उसके बावजूद पार्टी और सरकार उस विकास बराला की मदद कर रही है? तो ये सोची समझी साजिश है इन लोगों की, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। आज तक राजकुमार सैनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये क्या सुभाष बराला के खिलाफ एक्शन लेंगे? बिल्कुल, राजकुमार सैनी के खिलाफ आज तक कोई एक्शन लिया गया, हालांकि एक्शन की बातें जरूर होती रही, संगठन ये कहता रहा कि उन पर कार्रवाई हो सकती है जिस तरीके के वो बयान देते आए हैं। अमित शाह जो अभी पिछले दिनों दौरे पर थे उन्होंने भी कहा कि
कुरुक्षेत्र के सांसद को बुलाएंगे और जातिगत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि उस मामले भी हमने देखा उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक अहम चीज सैनी जो कह रहे हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ कह रहे हैं कि पार्टी को इतना नुकसान हुआ है इस चीज की भरपाई नहीं हो सकती है। क्या सही है ये बात? क्या वाकई बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई अब हो नहीं सकती? हेलो अरविंद जी। जी नहीं, भाजपा को नुकसान बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई दोहरा नहीं। खासतौर पर पूरे देश में एक ऐसी लहर है इस मुद्दे पर कि हर व्यक्ति भाजपा के खिलाफ बात कर रहा है, बोल रहा है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने धाराएं हटाई, सीसीटीवी की फुटेज गायब करी, उससे तो स्पष्ट रहा कि ये बचाना चाहते हैं। फिर इस्तीफा नहीं दिलाया गया, बल्कि स्पष्ट कह दिया गया कि इस्तीफा नहीं दिलाया जाएगा सुभाष बराला से, उनकी कोई गलती नहीं है। तो इसने ये साबित किया है कि भाजपा अपने लोगों को, चाहे वो गलत ही हो, उनका साथ देती है, उनकी पीठ पीछे खड़े होते हैं ये लोग। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात करते हैं, या जीरो टॉलरेंस का इन्होंने नारा दिया, इन्होंने बात कही, कहां जीरो टॉलरेंस रही? बहन बेटियों को तो ये बचा नहीं पा रहे हरियाणा प्रदेश की, अपने जो नालायक बेटा है उसे बचाने के लिए पूरी सरकार, मतलब वो सिर्फ सुभाष बराला का नहीं, वो पूरे हरियाणा प्रदेश की सरकार का बेटा गया। लेकिन ये भी कहा गया और हमने देखा भी कि कानून अपना काम कर रहा है, जांच सही दिशा में जा रही है, बेटी को इंसाफ दिलाया जाएगा, ये भी कहा गया। कानून को अपना काम कहाँ करने दे रहे हैं लोग? जो धाराएं दबाव पहले लगाई गई, फिर हटाई गई, और फिर बाद में मीडिया और पब्लिक के दबाव में फिर लगाई गई वो धाराएं, तो कानून क्या उन पुलिस वालों को पता नहीं था कौन सी धाराएं लगनी चाहिए और कौन सी नहीं लगनी चाहिए? तो ये जिस तरह से दबाव का जो खेल चल रहा है, तो इससे तो स्पष्ट आ रहा है कानून अपना काम नहीं कर रहा, कानून सरकार के दबाव में काम कर रहा है, भाजपा के नेताओं के दबाव में। आप सबसे बड़ी बात ये कहते हैं भाजपा का या सुभाष बराला का कोई लेना देना नहीं है अपने बेटे के इस मामले से, तो क्यों इन्होंने जाकर उनकी जमानत दी थी? भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता है वो और भाजपा के सारे नेता थाने में बैठ गए थे और होड़ लग गई थी जमानत देने की, कि कौन कौन सबसे पहले जमानत देगा सुभाष बराला के बेटे की, क्योंकि वो चाहते थे कि ये नंबर बनाने का मौका है सुभाष बराला की नजरों में। तो ये इनकी संस्कृति है, ये इस तरह के लोग हैं, तो इनसे उम्मीद अब जनता नहीं करती कि ये कोई न्याय दिला पाएंगे उस बेटी को। हम तो अब आने वाला चुनाव में जनता तय करेगी भाजपा का न्याय को कैसे फैसला करना है भाजपा का, और उस बेटी को और हरियाणा प्रदेश के लोगों को कैसे न्याय दिलाना है। चलिए अरविंद जी, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहे। हमारे पास बीजेपी से योगेश बिदानी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। योगेश जी, आपको आवाज मिल रही है? जी आवाज आ रही है। योगेश जी, विपक्ष के आरोप आप लगातार फोन लाइन पर सुन ही रहे होंगे, पार्टी के भीतर से ही सुभाष बराला के खिलाफ अब आवाजें उठने लगी है, घमासान हम देख रहे हैं। राजकुमार सैनी कह रहे हैं कि जो नुकसान इस फजीहत हुई है पार्टी की इस केस के बाद, उसका भरपाई करना बीजेपी के लिए अब संभव नहीं है। आप ही की विधायक प्रेमलता कह रही है कि लड़कों की गलती थी, लड़की अपने काम से घर जा रही थी और लड़की की हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए। चलिए, लड़की की हिम्मत की तारीफ सब कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर से ही सुभाष बराला के इस्तीफे की मांग अब जोर पकड़ रही है। क्या ये आवाज पार्टी के मुखिया तक पहुंच रही है? क्या सीएम तक ये आवाजें पहुंच रही है? देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना अपना वो होता है, वो अपने हिसाब से जो बोल रहे हैं वो उनके अपने विचार है। पार्टी संगठन ने और पार्टी ने बहुत तकड़ा डिसीजन लिया है, एक अपना बच्चा है उसको सही, जो लड़की है वो भी अपनी बच्ची है, उसको सही न्याय दिलाने का पार्टी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। उन्होंने अपना लड़का खुद पेश करके खुद आपके सामने जज किया है, जबकि उन्हीं के कहने पर सब चीज पुलिस ने तसल्ली करके उसको किया था, फिर भी अगर ऐसी आवाज उठी है तो सरकार और संगठन जो सही दिशा थी, उस बच्ची को पूरा न्याय मिलेगा और वो मिल रहा है। योगेश बिदानी जी, सैनी साहब ये भी कह रहे हैं कि पार्टी ने जिस शख्स को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अब उनके संस्कार जो है वो सामने आ गए हैं। कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये भी इशारा हो रहा है कि पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाना चाहिए, क्या ऐसी बात? जी लेकिन मैं आपकी बात को बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहा, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष का कोई किसी तरह का वो नहीं है। ठीक है कि लड़का हमारा है, हुआ है, हम उसके ऊपर वो नहीं कर रहे, हम उसको भी, लड़की को भी अपना मानते हैं, उसकी भी, उसके साथ जो अन्याय हुआ उसको न्याय दिलवाएंगे और लड़के का कसूर जो है उसको सजा उसको मिलेगी। इसमें ये नहीं है कि बाप के ऊपर एकदम लगा जाए। संगठन है, संगठन में तरीके से बात होती है, जल्दबाजी में कार्य नहीं होता कोई। जल्दबाजी में तो हुआ ही
योगेश जी, जल्दबाजी में तो हुआ ही नहीं है। देखिए आप पूरे घटनाक्रम को देखिए, जल्दबाजी में तो कुछ हुआ ही नहीं है। जल्दबाजी में तो हुआ है कि आधी रात को धाराएं हटा ली गई, वो जल्दबाजी में हुआ। जल्दबाजी में तो कुछ हुआ ही नहीं। जहां विकास बराला को पेश होना था वो भी नहीं पेश हुए। तीन चार दिन बाद पुलिस जागी, पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया और उसके बाद कहा कि हाँ पीछा किया है, फिर लड़के थाने में पेश हुए, फिर गिरफ्तारी हुई। जल्दबाजी नहीं है साहब ये, और देरी है। बल्कि जो काम पहले हो जाना चाहिए था उसे और देरी से किया गया। अच्छा चलिए ये बात सुनिए, सैनी साहब ये कह रहे कि पार्टी में उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई पार्टी में सांसद की सुनता नहीं है, क्या ये बात भी सही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर एक का अपना अपना विचार, अपना विचार कोई भी दे सकता, उसको हम नहीं रोक सकते। लेकिन संगठन संगठन के हिसाब से चलता है, पार्टी है, पार्टी अपने हिसाब से चलेगी और जैसा समय आएगा उस समय आपको उचित इसका जवाब मिलेगा। और हम आपको बता दें जिस दिन पहले दिन घटना हुई है उस दिन बिल्कुल कोई किसी तरह दबाव नहीं था, जैसा कानून था, जैसा हिसाब बना उसने वैसा किया और उस पर मणिका जी खुद राजी थी कि जो हुआ वो ठीक हुआ। योगेश मिदानी जी ये तो सभी कह रहे हैं कि मणिका कुंडू जांच से संतुष्ट थी, मणिका कुंडू जांच से संतुष्ट थी, जो उस रात को हुआ चंडीगढ़ पुलिस ने उनकी मदद की, वो उस बात के लिए कह रही है कि चंडीगढ़ पुलिस ने ऑन द स्पॉट उन्हें हेल्प किया और इसके लिए उन्होंने शिकायत भी नहीं की। इसके लिए तो उन्होंने शिकायत भी नहीं की, शिकायत ये थी कि जिसने जो किया है उसे कानून के तौर पर कानून की निगाह में रहते हुए सजा मिलनी चाहिए, मामला इतना है। बिल्कुल मिलेगी, कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। लेकिन ये वो लोग, कई लोग आपको ऐसे भी कहने वाले मिलेंगे जिन्होंने तंदूर कांड किया, जिन्होंने जसी का कांड किया, जिन्होंने सारे कांड किए, आज तक वो अपनी औकात भूल जाते हैं। आज हमें बताना चाह रहे हैं कि जबकि हमारे बच्चा उसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। मिदानी जी किसी भी घटना को किसी दूसरी घटना से उससे जोड़कर देखने के लिए यहाँ जरूरत नहीं है। जरूरत ये है जो पार्टी के भीतर से ये आवाजें उठ रही है उन्हें क्या आप सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल वही था। हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढिंगरा भी है, कांग्रेस से केवल ढिंगरा जो जुड़े हुए उनसे मैं सवाल करना चाहूंगी। केवल जी आवाज मिल रही है? हाँ जी बिल्कुल मिल रही है। योगेश मिदानी कह रही कोई प्रेशर था ही नहीं अब तक इस मामले में, क्या ये सही है? देखिए योगेश जी एनपी से भी अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सैनी साहब ने जो कहा है उन्होंने अपने बेस पे कहा है, उनको लोगों ने चुना है और लोगों की आवाज वो बता रहे हैं। ये योगेश मिदानी जी कहीं से चुन के नहीं आए हैं, ये अपनी एक प्रवक्ता है पार्टी के, ये सैनी साहब से ऊपर नहीं हो सकते। अच्छा दूसरी बात जो है, प्रेमलता जी वो भी एमएलए हैं, वो चुन के आई हैं, उनके भी सही बयान है कि जो लड़की है उसका अपहरण का प्रयास हुआ है और उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए लड़कों के अगेंस्ट। जिस समय ये विनोद शर्मा का लड़के का मामला था उस समय योगेश जी को बताना चाहता हूँ, ये मोमबत्तियां लेके रात को घूमते थे कि प्रेसिडेंट विनोद शर्मा को हटाया जाए। आज ये इनका जब प्रधान फंस गया उसके अंदर तो क्यों नहीं अब प्रधान को हटाने की बात करते? आप कहते हैं प्रधान अलग है और बेटा अलग है, क्यों अलग है? दोनों मुख्यमंत्री भी यही बात कहते हैं, प्रधान अलग है और बेटा अलग है। तो जिस समय ये मोमबत्तियां लेके विनोद शर्मा के मंत्री जब थे उनके पीछे पड़े हुए थे तब विनोद शर्मा का इस्तीफा उसी समय हुआ था। तो ये आज क्यों भूल गए अपनी बातें और क्यों नहीं सुभाष बराला जी का इस्तीफा लेते? योगेश मिदानी जी को अपने आप मांग करनी चाहिए बीजेपी से कि सुभाष बराला का इस्तीफा होना चाहिए। और दूसरी बात एक और, इनके ऊपर एक आईटी एक्ट की धारा भी लगती है जहां पे वो अभी तक पुलिस ने नहीं लगाई है, क्योंकि इनके सुभाष बराला जी के जो भतीजे हैं या कोई और आदमी इनके जो फैमिली के, उन्होंने वर्णिका को बदनाम करने के लिए आईटी मैसेज उसके ऊपर भेजे हैं और वो भी धारा बनती है, वो भी लगी नहीं है। ढिंगरा साहब योगेश मिदानी जी से जवाब लेते, मिदानी साहब आप सुन रहे थे ढिंगरा साहब को? मैं ढिंगरा जी से पूछना चाहता हूँ, आपको अगर उस कांडों का नहीं पता हो, आप अभी नए नए कांग्रेस जी बने हो, इसको वहीं की वहीं रहने दो। हम आपको बता रहे हम संगठन के व्यक्ति हैं, हमारा काम संगठन करता है, संगठन में हमने अपनी बात रखी हुई है, संगठन इसका फैसला करेगा सुभाष बराला जी का क्या करना है क्या नहीं करना। रही विकास की बात, विकास का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो राजनीति में किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है कि हमारा बच्चा था, बच्चा है और मणिका भी हमारी बच्ची है, दोनों को इंसाफ मिलेगा और जो दोषी होगा उसको कड़ी सजा मिलेगी। चलिए उम्मीद करते हैं जो दोषी है उसे कड़ी सजा मिले। शुक्रिया आपका डॉक्टर योगेश मिदानी, शुक्रिया आपका केवल ढिंगरा और अरविंद भाजवा हमारे साथ जुड़े थे उनका भी शुक्रिया। तो भले ही ये कहा जाए कि राजनीति से इसका कुछ लेना देना नहीं है,
लेकिन राजनीति तो चरम पर है और जमकर राजनीति हो भी रही है। उम्मीद करते हैं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता ने यहाँ कहा कि कानून अपना काम करेगा, इंसाफ मिलेगा और दोषी को सजा मिलेगी, आपको भी, जनता को भी वही तस्वीर देखने को मिले। फिलहाल खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।